इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एशिया कप के दोस्तों फाइनल मैच के बारे में। दोस्तों आज का फाइनल मैच आपको भी मालूम होगा इंडिया और दोस्तों श्रीलंका टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोस्तों ध्यान रखिएगा दोपहर के 3 बजे से स्टार्ट होगा। और यह मैच कहां पे खेला जाएगा दोस्तों, तो यह मैच सेम उसी पिच पे खेला जाएगा जहां पे दोस्तों इंडिया ने इससे पहले सभी मैच खेले, डेट मीन्स दोस्तों कोलंबो क्रिकेट स्टेडियम में। अब आपने सुना होगा यार कोलंबो में मैच है, तो आपका एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार कोलंबो में मैच है तो फिर वेदर क्या है वो भी बता दो, तो दोस्तों मैं वो भी शेयर करता हूँ। दोस्तों सच बताऊँ बैड न्यूज, आज फिर से कोलंबो का जो वेदर है बहुत ही घटिया वेदर है। मैच दोस्तों 3 बजे से स्टार्ट होगा, 3 बजे दोस्तों 20% चांस है बारिश का, ठीक ना। चलो ये तो ठीक है यार, जैसे ही दोस्तों 4 बजता है बारिश का चांस दोस्तों 50% हो जा रहा है, 5 बजे दोस्तों बारिश का चांस 70% है। वहीं दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, बारिश होने का चांस जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होते जा रहा है। दैट मीन्स मैच प्रोग्रेस करेगा तो बारिश भी अपने आप को प्रोग्रेस करने वाला है। अब पता नहीं दोस्तों, देखो फाइनल मैच है, बारिश होगा तो पूरा मजा किरकिरा करेगा। और यार एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता है यार, BCCI अपना इतना अमीर बोर्ड है यार, वो चाहेगी तो वो चेंज नहीं करवा सकती है शेड्यूल क्या? उनको मालूम है कि फाइनल के मैच में कोलंबो में बारिश आना है, बहुत अच्छा खासा बारिश आना है, तो यार अलग स्टेडियम में करवा दो, श्रीलंका में तो कितना स्टेडियम है, क्या बोले यार इन लोगों को। बस उम्मीद करते हैं कि यार इंद्र देवता आज भर के लिए बस रुक जाए, अगले दिन से स्टार्ट हो जाए, अगले दिन से लगातार 5 दिन बारिश हो चलेगा, लेकिन इंद्र देवता 3 बजे से लेके 11 बजे तक प्लीज़ आप कहीं चले जाइए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग पिच के बारे में। देखो दोस्तों बारिश आने का चांस रहेगा, बादल हमेशा दोस्तों ऊपर में रहेगा, तो ये जो पिच है ना स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर को स्विंग देगी, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिनर इस पिच पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। आपको ध्यान होगा जब लास्ट टाइम दोनों टीम खेली थी स्पिनर ने कितना बड़ा रोल अदा किया था, इंडिया का 10 विकेट गिरा था और 100 विकेट श्रीलंका के दोस्तों स्पिनर को मिले थे, 100 विकेट, और सेम इसी पिच पे। और इंडिया के तरफ से भी देखो तो कुलदीप यादव ने 200 विकेट लिया था, जडेजा ने विकेट लिया था, अक्षर पटेल ने विकेट लिया था, डैट मीन्स स्पिनर हमेशा आपके लिए गेम में रहेंगे। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना, फास्ट बॉलर को स्विंग भी मिलेगा, क्योंकि बादल दोस्तों जब तक ऊपर में रहेगा तब तक दोस्तों बॉलर को यहाँ पे स्विंग मिलते रहेगा फास्ट बॉलर को, तो आपको दोनों को लेके चलना है। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा किस प्लेयर को आपको कैसे ट्राई करना है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों इस मैच में कम्बिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। कम्बिनेशन बताने से पहले दोस्तों एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, यदि अभी तक दोस्तों आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। क्यों जुड़ना चाहिए दोस्तों, इस मैच से रिलेटेड फाइनल जो पिच रिपोर्ट होगा, फाइनल दोस्तों जो 11 होगा और फाइनल टीम जिसके साथ मैं खेलूंगा, वो सभी कुछ मैं आपके साथ टेलीग्राम पे ही शेयर करूंगा, तो डैट्स मीन ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक आपने दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, जहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा के मेंडिस और सेकेंड ऑप्शन राहुल। अब यहाँ पे दोस्तों देखो इंडिया की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो फिर मैं राहुल को ही टीम में रखूँगा, यदि इंडिया की टीम दोस्तों बैटिंग फर्स्ट ना करके बैटिंग सेकेंड करती है फिर दोस्तों आप ऐसे कंडीशन में के मेंडिस को कंसिडर कर सकते हो, ठीक ना। दोनों को आप चाहोगे रखना तो देखो दोस्तों फिर आपको बॉलर को ड्रॉप करना पड़ेगा, जो मैं अभी तो यार नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि फाइनल मैच है, मुझे मालूम है बॉलर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में, तो इसलिए मैं बैट्समैन पे रिस्क ले रहा हूं लेकिन बॉलर पे रिस्क मैं नहीं ले सकता हूं। मैं अभी के लिए राहुल को टीम में रखा हूं, लेकिन जो मैंने रोटेशन आपको बताया टस को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हो। ईशान किशन GL में आप लेके जाना और ऐसे टीम में लेके जाना जब इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन आप अपनी टीम में नहीं रख रहे हो, ठीक ना। ईशान किशन तब दोस्तों ज़्यादा स्कोर करेगा तब जब दोस्तों इंडिया का स्टार्टिंग का जो ओपनर बैट्समैन है, जो फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आते हैं, उनका जल्दी विकेट गिर जाता है, तो ईशान किशन बेटर करके जा सकते हैं, जो हम लोगों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑलरेडी देखा भी था।
यदि इंडिया का टॉप ऑर्डर खेले प्ले करते रह जाता है तो फिर ईशान किशन उतना ज़्यादा स्कोर नहीं करते हैं, चांस भी कम मिलता है। अब बात करें बैटिंग सेक्शन, तो बैटिंग सेक्शन में शुभम गिल आपके टीम में होने चाहिए। दोस्तों शुभम गिल को मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, लास्ट मैच में 100+ स्कोर भी करके आ रहे हैं, श्रीलंका की टीम के अगेंस्ट भी लास्ट टाइम बहुत अच्छा खेले थे और ओपन बैटिंग करते हैं। फिर नीचेगा सी अलास्का का ऑप्शन मिलेगा। अलास्का को दोस्तों रखने का मेरे पास दो रीज़न है। एक तो दोस्तों इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने जो लास्ट मैच खेला था उसमें 4 विकेट लिए थे। अब देखो हमेशा तो ऐसे बॉलर को 4 विकेट मिलने वाला नहीं है, वो गलती सलती से मिल गया था, लेकिन रिकॉर्ड है तो मैं शेयर कर रहा हूँ। और बैटिंग से भी इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है। अब देखो यदि आपको थोड़ा सा चेंजेस करके जाना हो तो आप इनके जगह के मेंडिस को आप लेके जा सकते हो, मैं अभी के लिए इनको रख रहा हूँ। फिर नीचे दोस्तों आपको एस अमरा बीके का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा प्लेयर है दोस्तों, ज़्यादा इंटरनेशनल मैच का एक्सपीरियंस नहीं है, बट एशिया कप में ठीक ठाक इन्होंने परफॉर्मेंस किया है। ग्रैंड लीग में आप कंसीडर कर सकते हो। स्मॉल लीग में मैं रोहित शर्मा को नीचे से रख रहा हूँ, क्योंकि श्रीलंका के टीम के अगेंस्ट बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है और लास्ट टाइम खेले थे श्रीलंका के अगेंस्ट तो भाई ने 50+ स्कोर भी किया था। फिर नीचे का पी निशंक का अभी तक तो दोस्तों उतने अच्छे नहीं दिखे हैं एशिया कप में। जीएल में आप लेके जा सकते हो, क्योंकि स्मॉल लीग में मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि इनके सामने बुमराह और सिराज बॉलिंग करेंगे और बुमराह भाई दोस्तों अभी तो अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत अच्छा उनका बॉलिंग आउटस्विंग भी कर रहा है और इन स्विंग भी जा रहा है। तो इसी वजह से मैं श्रीलंका के दोनों ओपनर डी करुणारत्ने और पी निशंक का दोनों को नहीं रख रहा हूँ। हाँ, यदि आप बुमराह को टीम में नहीं रख रहे हो फिर आप दोनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो। रोटेशन आप बस ध्यान रखते रहो, इस मैच में रोटेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सभी लोग एक जैसे ही टीम लेके आएंगे, बट यदि आप किसी प्लेयर को चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या ध्यान में रखते हुए चेंज करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विराट कोहली को आप रख के जाओ, विराट कोहली से आप इस मैच में उम्मीद रख सकते हो, बढ़िया स्कोर करके आपको देंगे। फाइनल मैच है दोस्तों, कोहली बड़े मैच के प्लेयर है। फिर नीचे सूर्य कुमार यादव खेलेंगे नहीं, तिलक वर्मा दोस्तों इस मैच में आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अब बात करें हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन, तो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में डी बेलागे आपके टीम में डेफिनेटली होने चाहिए। दोस्तों बेलागे को मैं आज ड्रॉप नहीं करूंगा क्योंकि एक तो इंडिया की टीम के अगेंस्ट क्या इन्होंने बॉलिंग किया था और बैटिंग भी सुपर्ब किए थे, तो ऑलराउंडर प्लेयर है लेके जाइए। डी शंका को दोस्तों मैं नहीं रख रहा हूँ स्मॉल लीग में बिकॉज परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रहा है। दोस्तों आज परफॉर्म कर देते तो अलग होगा, लेकिन आप स्मॉल लीग में ड्रॉप करके जा सकते हो। डी सिल्वा देखो दोस्तों बॉलिंग कम कर रहे हैं, ठीक ना, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इस मैच में बॉलिंग आपको दे सकते हैं, 10 ओवर ना दे लेकिन 5 ओवर देंगे। और डी सिल्वा एक भरोसेमंद दोस्तों बैट्समैन है जिन पे आप भरोसा कर सकते हो कि यार ये बेटर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, तो इसी वजह से मैं डी सिल्वा को बैक कर रहा हूँ, 40% सिलेक्शन है तब भी। फिर नीचे आपको जडेजा का ऑप्शन मिलेगा, जडेजा को डेफिनेटली आप लेके जाओ दोस्तों इस बीच में, ऐसे भी जडेजा आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक डेफिनेटली रहेंगे। हार्दिक पांड्या को दोस्तों जानते हो मैं अभी टीम में नहीं रख रहा हूँ। अब बोलोगे यार हार्दिक पांड्या को मैं क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों इस बीच में ना हार्दिक पांड्या को लास्ट जो मैच इन्होंने खेला था श्रीलंका टीम के अगेंस्ट उन्होंने उसमें बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया था, क्योंकि हार्दिक पांड्या को इस बीच में बहुत ज़्यादा बेटर परसेज मिल नहीं रहा था। ये कितनों ज़्यादा फास्ट बॉल फेंक रहे थे, बॉल बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा था। देखो यहाँ पे आप हार्दिक को ट्राई करना चाहते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, डी सिल्वा को ड्रॉप करके आप हार्दिक को पिक कर सकते हो। ये डायरेक्ट रोटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, डी सिल्वा ड्रॉप, हार्दिक पांड्या पिक। फिर नीचेगा अक्षर पटेल, जीएल में आप लेके जा सकते हो, स्मॉल लीग में मैं अभी राइट नाउ नहीं रख रहा हूँ। फिर नीचे से कोई प्लेयर दोस्तों खेलेंगे नहीं। अब बात करें हम लोग बॉलिंग सेक्शन, तो दोस्तों पाटी राणा अच्छे बॉलर है, लेकिन दोस्तों इंडिया के अगेंस्ट जो लास्ट मैच इन्होंने खेला था बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस रहा था, 1 विकेट भी दोस्तों आपको नहीं ले पाए थे। और बोलोगे यार लास्ट मैच में तो 4 विकेट लेके आ रहे, दोस्तों देखो लास्ट मैच में 4 विकेट लिए जरूर है, लेकिन इंडिया टीम के अगेंस्ट मेन आपको ध्यान रखना है कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। अब रखना चाहते हो दोस्तों पटी राणा को तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर ऐसे में आपको क्या करना होगा, इधर से गिल और रोहित शर्मा ये दोनों में से किसी एक प्लेयर को आपको ड्रॉप करना होगा, तभी आप दोस्तों पटी राणा को लेके जाइएगा। एम जी रक्षणा दोस्तों पूरे एशिया कप के लिए बाहर है, तो आप ड्रॉप कर चलो। कुलदीप यादव डेफिनेटली मेरी टीम में रहेंगे, श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने परफॉर्मेंस भी बहुत सुपर्ब किया है, इस पिच पे अभी तक भाई ने 3 मैच खेला है, तीनों मैच में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। इसी दोस्तों आपको शार्दुल ठाकुर का ऑप्शन मिलेगा, इंडिया का दोस्तों लकी चैम है लॉर्ड शार्दुल ठाकुर है, 16% सिलेक्शन है, जीएल में आप कंसिडर कर सकते हो दोस्तों इस पिच पे, लास्ट मैच में इन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था।
प्रॉब्लम ये है दोस्तों हम लोग किसको ड्रॉप करें, बात ये है दोस्तों। तो इसी वजह से मैं अभी नहीं रख पा रहा हूँ और सिलेक्शन भी कम है। बट आप ध्यान रखना जीएल में आप क्या कर सकते हो, सी असलंका के जगह एक आप इन्हें रोटेट अपने टीम में कर सकते हो। के रजिता अभी मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि इंडिया के दोनों ओपनर और इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन मेरे टीम में है। नीचे से दोस्तों मैं सिराज और दोस्तों बुमराह को टीम में रखूंगा। शमी का दोस्तों इस मैच में खेलने का चांस बहुत कम है क्योंकि बुमराह का वापसी होगा तो दोस्तों शमी को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक ना। और बुमराह सिराज बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, इधर से आप देखोगे तो मैंने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर बैट्समैन टीम में नहीं रखा है, तो फिर मेरे को ऐसे बॉलर चाहिए ना इंडिया के जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, तो बुमराह सिराज इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब तक बल्लेबाजी करते आए हैं, अब करेंगे स्पोर्ट्स बाजी, लाइव देखेंगे, लाइव खेलेंगे, लाइव जीतेंगे, क्योंकि लाइव में है वाइव। खेल में वित्तीय जोखिम की संभावना है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से खेलें। तो जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, दोस्तों देखो बल्लेबाजी का जो नाम है ना वो अब चेंज कर दिया गया है। अब दोस्तों बल्लेबाजी को हम लोग बल्लेबाजी ना कहके स्पोर्टबाजी कहेंगे। स्पोर्टबाजी दोस्तों नाम चेंज करने के पीछे काफ़ी रीजन है दोस्तों, मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। जैसे ही आप दोस्तों इंडिया श्रीलंका मैच पे क्लिक करते हो ना तो आपको चार ऑप्शन दिखेगा, पहले दोस्तों ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था। बल्लेबाजी में दोस्तों हम लोग सिर्फ फैंटेसी खेल के अर्निंग कर रहे थे, स्पोर्ट बाजी में ना आपको तीन वे और इंक्रीज कर दिया गया है अर्निंग का। एक तो हो गया स्टैट्स प्रो, सेकेंड नेक्स्ट हो गया दोस्तों प्लेयर स्टॉक और फैंटेसी हुआ। अब स्टैट्स प्रो क्या होता है दोस्तों, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा सभी के बारे में। सबसे पहले फैंटेसी पे आप क्लिक करना, फैंटेसी पे आप जैसे क्लिक करते हो दोस्तों इस मैच में आपको 1,00,000 रुपये का गिव अवे मिलेगा। सबसे पहले तो जाके दोस्तों गिव अवे आप ज्वाइन कर लेना क्योंकि गिव अवे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। 0 रुपया लगा के आप विन कर सकते हो, फर्स्ट प्राइज दोस्तों 10,000 है, तो काफ़ी अच्छा प्राइज है। अब बात करें दोस्तों स्टैट्स प्रो क्या होता है, तो दोस्तों आप स्टैट्स प्रो पे जब आप क्लिक करोगे इधर तो आपको यहाँ पे ना क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप अपना अर्निंग इंक्रीज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया विल विन ओडीआई मैच अगेंस्ट श्रीलंका, आपको लगता है इंडिया ये मैच विन करेगी तो आप प्ले नाउ पे क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे एंट्री फी पे करके अर्निंग कर सकते हो। आपको लगता है नहीं यार इंडिया की टीम हार जाएगी तो आप फॉल्स पे करके अर्निंग कर सकते हो, डैट मीन्स यहाँ पे आप ट्रू करके भी अर्निंग कर सकते हो, फॉल्स करके भी अर्निंग कर सकते हो। इसी तरह दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी फर्स्ट ओवर में क्या वो 4 से ज्यादा स्कोर कर पाएगी, आपको यस लगता है तो आप इसमें भी अर्निंग कर सकते हो। आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो ये हुआ दोस्तों स्टैट्स प्रो। स्टॉक में दोस्तों क्या होता है कि आपको प्लेयर का स्टॉक बाई करना होता है। आपको लगता है ईशान किशन इस मैच में 35 से ऊपर फैंटेसी पॉइंट देंगे तो आप ईशान किशन का स्टॉक बाई कर सकते हो। आपको लगता है विराट कोहली इस मैच में 58 फैंटेसी पॉइंट से अबव देंगे तो आप विराट कोहली का स्टॉक बाई कर सकते हो। आई होप आपको स्टॉक स्टैट्स प्रो और फैंटेसी तीनों समझ में आया होगा। और इसी वजह से दोस्तों बल्लेबाजी का नाम स्पोर्टबाजी कर दिया गया है, जिससे दोस्तों आपका जो अर्निंग का जो स्रोत है ना वो इंक्रीज हो, आपको थोड़ा सा डिफरेंट वाइब मिले। तो जो भी भाई लोग स्पोर्टबाजी को डाउनलोड नहीं किए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड कीजिए और सबसे पहले तो गिव अवे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाद जितना भी फीचर है दोस्तों इसको इंजॉय कीजिए और अपना अर्निंग इंक्रीज कीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। फिर दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग हम लोग कैप्टन वीसी ऑप्शन, दोस्तों कैप्टन में डी बिल आगे को कर रहा हूँ। देखो लास्ट मैच में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसको तो मैं ध्यान में रख ही रहा हूँ। साथ ही साथ एक और रीजन है दोस्तों इनको कैप्टन करेगा, रीजन क्या है दोस्तों, यदि आप देखोगे तो श्रीलंका के मैंने टॉप ऑर्डर प्लेयर रखे हैं टीम में नहीं रखे हैं, और डी विल आगे दोस्तों बैटिंग नीचे करते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं रखे तो मैं चाह रहा हूँ श्रीलंका के स्टार्टिंग के बैट्समैन आउट हो और डी विल आगे का दोस्तों जितना जल्दी हो उतना जल्दी बैटिंग करने आए और ये बैटिंग से बेटर परफॉर्म करें। और आपको 10 ओवर तो बॉलिंग करके जाने वाले हैं इसलिए मैंने इनको कैप्टन किया है। अब वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों आप देखो इस मैच में कोहली को भी ट्राई कर सकते हो, रोहित को भी ट्राई कर सकते हो, गिल को भी आप ट्राई कर सकते हो, इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को ही ट्राई कीजिएगा। मैं अभी के लिए दोस्तों रिकॉर्ड और रीसेंट मैचों को ध्यान में रखते हुए शुभम गिल को वाइस कैप्टन किया हूँ क्योंकि शुभम गिल ने एशिया कप में रोहित शर्मा के कंपेयर में काफ़ी अच्छा बैटिंग किया, विराट कोहली के कंपेयर में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने बैटिंग किया है। अभी के लिए दोस्तों ये टीम मेरा फाइनल टीम है, आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ठीक ना, और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए फाइनल मैच के लिए। टॉस के बाद इस टीम में कोई भी चेंजेस करना होगा पिच को ध्यान में रखते हुए या दोस्तों वेदर को ध्यान में रखते हुए, मैच यदि बीच बीच में इंटरप्ट होता है तो फिर आप किस तरह से चेंजेस कर सकते हो इसको भी ध्यान में रखते हुए या प्लेइंग 11 को ध्यान में रखते हुए कोई भी चेंजेस करना होगा इस टीम में, तो फाइनल कॉम्बिनेशन और फाइनल अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करता रहूँगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।